कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, हम कह रहे हैं कि इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये हालात उन लोगों की है, अपने परिवारों को भी जोड़ के जो नहीं रख सके। और एक हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं कि यहां पर चाहे हमारे भाई रामपाल माजरा जी हैं, चाहे हमारे कोई किसी भी दल को छोड़कर क्यों नहीं आ रहा है, उन सबको उन्होंने गले से लगाया, उन सबको उन्होंने अपने साथ बिठाया। आप ये देखिए कि अभी माजरा साहब इधर बैठे थे, उनको हाथ पकड़ के कहा कि नहीं माजरा साहब मेरे पास आकर बैठो। ऐसे हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसी सरकार आज से पहले कभी न थी और न कहते ना भूतों ना भविष्य थी। अगर हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में सुरक्षित है तो सिर्फ मनोहर लाल जी के हाथों में सुरक्षित है। ऊपर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, कि जो पाकिस्तान के किस तरह से जो है दांत खट्टे कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नेतृत्व और कहीं पर नहीं है भाइयों। और मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान मैं आपको दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है पहले निर्दलीय लड़ा, उससे पहले वो कांग्रेस में था, इससे पहले वो शायद INLD वगैरह में था, कोई पार्टी उसने छोड़ी नहीं, हमारी तरफ भी थोड़ा 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 करके बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना हमें जरूरत नहीं ऐसे लोगों की। और भाई उनके बारे में एक और आपको बताती हूँ कि मुख्यमंत्री जी अब तो मोबाइल आ गए, पहले टाइम में जो है वो टेलीफोन होया करते और टेलीफोन की तार ऐसे लगी होया करती और उसके पास चले जाते और वो क्या करता उनके सामने कार्यकर्ताओं के सामने धमका के, अरे DC साहब यो काम कर दियो, और वो कहता था नीचे तार तो लगा ले। ऐसा काम उन्होंने किया। तो मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे हैं कि ना खर्ची है ना पर्ची है और ना मीठी बोली है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं। तो मैं आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि हमारी इतनी सीधी शरीफ ईमानदार बहन कमलेश झंडा आप लोगों के सामने उम्मीदवार है, तो आप सब लोगों की जिम्मेवारी है, खासकर मेरी माताओं बहनों की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि हमारी इस बेटी को हमारी इस बहन को विधानसभा के अंदर पहुंचाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के हाथों को हम ताकत दें और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से हरियाणा की सरकार का नेतृत्व सौंपने का काम ये जनता करेगी। मैं आशीर्वाद देने के लिए हम सबको आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में जो मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए और उसका लाभ आम जन तक पहुंचा, आम जन के जीवन को सरल करने का काम वो मनोहर लाल जी ने किया। नहीं तो अभी सुनीता दुग्गल जी कह रही थी कि फोन भी ऐसे होता था कि व्यक्ति को बताना पड़ता था कि अभी तार तो ले DC को फोन कर रहा है, ऐसी स्थिति थी भाइयों। परंतु इन 5 वर्षों के अंदर जो कहा मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया है। भाइयों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चर्चा की थी सुनीता दुग्गल जी ने, मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 किलोमीटर की परिधि से ज्यादा कहीं पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बेटियों को 20 किलोमीटर के अंदर ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। पहली बार मनोहर लाल जी ने एक समय के अंदर 22 राजकीय कन्या महाविद्यालयों का शिलान्यास किया और वो सारे के सारे कॉलेज वो बन करके तैयार हो गए, हमारी बेटियों ने एडमिशन ले लिया है। भाइयों जो कहा है उस बात को पूरा करने का काम वो मनोहर लाल जी ने किया।